नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस कर्मचारियों पर अवैध शराब विक्रेताओं का जानलेवा हमला, एक पुलिस कर्मी की मौत, दूसरे की हालत चिंताजनक। चांदूर रेलवे थाना क्षेत्र के ग्राम तांडा की घटना। संपत्ति विवाद को लेकर वृद्धा को किया कमरे में कैद, शहर के विजयनगर की घटना। खामगांव में गृह राज्य मंत्री का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, कोई अप्रिय घटना नहीं। अमरावती MIDC के आदित्य कंपनी में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। अमरावती जिला महसूल कर्मचारी संगठना का खुला अधिवेशन संपन्न, आजी माजी पदाधिकारियों का स्नेह मिलन। खबरें अब विस्तार से। जिले के चांदूर रेलवे तहसील स्थित ग्राम तांडा में चलने वाले गावरानी शराब के अड्डों पर कार्रवाई कर वापस लौट रहे चांदूर रेलवे पुलिस थाने में कार्यरत दो पुलिस कर्मचारियों पर 5 से 6 अवैध शराब विक्रेताओं ने मिलकर किए गए प्राण घातक हमले में एक पुलिस कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना उजागर होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। पांडा का वह मौका वारदात पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही विशेष पुलिस महानिरीक्षक छगन वाकड़े तथा पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने घटनास्थल पर पहुंच हालात का जायजा लिया। दिल दहला देने वाली इस लोमहर्षक घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक चांदूर रेलवे तहसील के दत्तापुर में ग्राम पंचायत के चुनाव रहने के चलते रविवार की सुबह से ही तहसील स्तर पर अवैध शराब बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश चांदूर रेलवे तथा दत्तापुर थाने को प्राप्त हुए थे। इस आदेश पर अमल करते हुए रविवार की सुबह 8 बजे चांदूर रेलवे थाने में कार्यरत सहायक पुलिस उप निरीक्षक जाधव तथा हेड कांस्टेबल सतीश मरावी चांदूर रेलवे के ग्राम तांडा पहुंचे थे। तांडा से लगभग 2 किलोमीटर निर्जन स्थान पर महुए से बनाए जाने वाली गावरानी शराब का उत्पादन किया जाता है। बताया जाता है कि विगत दीपावली से अब तक पुलिस टीम की ओर से लगातार मारे जा रहे पुलिस छापे से इन अवैध शराब बनाने वालों के हौसले पस्त हो चुके हैं, जिसके चलते इन अवैध शराब व्यवसायियों में पुलिस के प्रति बदले की भावना घर कर गई है। चर्चा इस बात की भी है कि तांडा में गावरानी हाथ भट्टी पर पुलिस छापा पड़ने की सुगबुगाहट इन अवैध शराब व्यवसायियों को लग चुकी थी, जिसके तहत योजनाबद्ध तरीके से पुलिस कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर उन्हें रास्ते से हटाने के उद्देश्य के तहत यह हमला किया गया हो। रविवार की सुबह ASI जाधव तथा हेड कांस्टेबल सतीश मरावी तांडा स्थित गावरानी शराब के अड्डे पर छापा मारकर वापस लौट रहे थे, तो लगभग 500 मीटर की दूरी पर ये दोनों पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी पर ये दोनों पुलिसकर्मी पहुंचते ही पीछे से 4 से 5 हमलावरों ने पत्थरों तथा कुल्हाड़ी से दोनों पुलिसकर्मियों पर प्राण घातक हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से दोनों पुलिसकर्मी संभल पाने से पहले ही हमलावरों ने सतीश मरावी को मौत के घाट उतार दिया, जबकि उनका सहकर्मी जाधव बुरी तरह लहूलुहान होकर
मौके पर ही गिर पड़ा और आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना की जानकारी सबसे पहले ग्राम तांडा के सरपंच को मिली, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और चांदू रेलवे पुलिस को जानकारी दी। घटना की खबर ग्रामीण नियंत्रण कक्ष सहित अन्य थानों में पहुंचते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तत्काल बड़े पैमाने पर पुलिस दल मौके वारदात पर पहुंचा और घायल जाधव को जिला सामान्य अस्पताल भिजवाया गया। जबकि मृतक सतीश मलावी के शव को पोस्टमार्टम हेतु चांदू रेलवे उप जिला अस्पताल भिजवाया गया। घटना की जानकारी विशेष पुलिस महानिरीक्षक छगन वाकड़े, पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार को मिलते ही वे मौके वारदात पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। देर शाम 5 बजे तक मलावी के शव का पोस्टमार्टम पश्चात पुलिस दल के साथ उनके पार्थिव को पोटे फार्म हाउस स्थित उनके निवास स्थान पर लाया गया, जहां सरकारी नियमों के तहत उनके पार्थिव को सलामी दी गई। चर्चा इस बात की भी है कि यदि उपरोक्त दोनों कर्मचारी आज ड्यूटी पर तैनात थे तो वे छापे के दौरान वर्दी पहनकर क्यों नहीं गए। खबर लिखे जाने तक इस हत्याकांड में शामिल राजेश राठौर, अर्जुन राठौर तथा दिनेश राठौर को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया है। चांदू रेलवे से हमारे संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। शहर में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। एमआईडीसी के आदित्य कंपनी में दोपहर 4 बजे भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी गई। तुरंत दमकल विभाग हरकत में आकर घटनास्थल पहुंचा और आग बुझाने जुट गया। हाँ बोलिए उनके दो आदमी दो। हाँ ये करना पड़ेगा ओ करना पड़ेगा यारो पहले उसको और दबा दो स्प्रे मार के, नहीं तो दया धुएं में नहीं जा सकेंगे ना, कोई भी नहीं जा सकेगा धुएं में। ये करके पानी डाल देना इधर इधर चल आगे करना। इस दरमियान 3 कैन फोम, 4 दमकल की पानी की गाड़ियों द्वारा आग पर नियंत्रण पाया गया। इस कार्रवाई में दमकल विभाग के उपकेंद्र प्रमुख सैयद अनवर चौहान, मोहम्मद जुबेर मोरे राठौड़, मोहन महल्ले भोकरे उताने भागरदे, शोएब फाइक, राजू सेंडे तायडे, सूर्यवंशी आडे ने अथक परिश्रम किए। इस आग में 5 से 6 लाख का नुकसान होने की जानकारी सामने आई है। भारतवर्ष में सुपरिचित और करोड़ों भक्तों का श्रद्धा स्थान तीर्थ क्षेत्र माहुरिया, भगवान दत्त प्रभु का वास्तव्य स्थान और 33 करोड़ देवी देवताओं का मह का इस नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र के कोई भी साधु एवं शहर में वास्तव्य करने वाले नागरिक को पूरे देश में बड़ा सम्मान दिया जाता है। इस बात का फायदा लेकर माहुर के सुप्रसिद्ध शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक धर्मपीठ श्री दत्त शिखर संस्थान से यह झूठ बात कहकर कि विभूति में बड़ी ताकत है, इसे बहुत सारी अन्य साधारण बीमारियां दूर होती है, मैं आपकी बीमारियां दूर करता हूं, ऐसा दावा करके भक्तों को आनंद भारती नामक एक भोंदू बाबा फंसाता हुआ नजर आने से दत्त शिखर संस्थान की ओर से माहुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है और प्रेस विज्ञप्ति निकालकर प्रसार माध्यम तक पहुंचाया गया है।
इस शिकायत एवं प्रेस नोट से दत्त शिखर संस्थान पर प्रमुख महंत परमहंस परिव्राजकाचार्य महंत मधुसूदन जी भारती महाराज के साथ और सात ऐसे केवल 8 सन्यासी है जो भिक्षा लेने या लोगों के इलाज करने हेतु कोई भी साधु बाहर घूमने नहीं जाता है। केवल संस्थान के धार्मिक कार्यक्रम में नियोजित समय पर ही लवाजमा के साथ जाते हैं, किंतु कोई आनंद भारती नाम का नकली एवं नकली बाबा दत्त शिखर के महंत मधुसूदन जी भारती महाराज का शिष्य हूँ कहकर भोले भक्तों के श्रद्धा का फायदा लेकर अंधश्रद्धा फैला रहा है। इस गंभीर मामले की जानकारी मिलने से व्यथित दत्त शिखर संस्थान ने माहूर पुलिस थाने में शिकायत दाखिल की है। हमारे संवाददाता से बातचीत के समय श्री दत्त शिखर के अनुसया माता मंदिर के मुख्य पुजारी चिंतामन भारती महाराज ने भक्तों को ऐलान करके कहा है कि श्रद्धा को अंधश्रद्धा बनाने वाले उस भोंदू बाबा का महाराज ने भक्तों को ऐलान करके कहा है कि श्रद्धा को अंधश्रद्धा बनाने वाले भोंदू बाबा के चंगुल में ना फंसे। ऐसे कोई भी बाबा दत्त शिखर का नाम लेता हुआ नजर आए तो दत्त शिखर संस्थान के कार्यालय में 9763878915 पर संपर्क करने का ऐलान किया है। नहीं, त्यांच्याविषयी आम्हाला स्पष्ट कोणतीही माहिती नाही, कारण ते जे सांगतात की आम्ही दत्तशिखरशी संबंधित आहोत म्हणजे ते स्वतः आहे, तर तशा प्रकारे कोणीही दत्तशिखरशी संबंधित व्यक्ती नाही किंवा दत्तशिखरशी संबंधित कोणताही व्यक्ती म्हणजे साधू हा देवस्थान सोडून बाहेर भिक्षेसाठी वगैरे जात नाही। काही जण भिक्षेसाठीही म्हणा किंवा भावी भक्तांना लुबाडण्यासाठी दत्तशिखर संस्थांचा वारंवार वापर करतात, पण प्रत्यक्षात पाहता दत्तशिखर संस्थानतर्फे कोणालाही आजपर्यंत भिक्षा किंवा वर्गणी जमा करण्यासाठी ऑथराईज केले गेले नाही। देवस्थान तीच वर्गणी किंवा भिक्षा स्वीकारते जी देवस्थानवर प्रत्यक्ष दिली जाते, त्यामुळे जर बाहेर येऊन कोणी म्हणत असेल की आम्हाला देवस्थानतर्फे आम्ही अन्नदानासाठी किंवा विविध कार्यासाठी देणगी जमा करण्यासाठी भिक्षेसाठी आलो तर हे पूर्णपणे खोटे आहे। आणि जे सांगितलं जाते की बाबा 7 लोक 8 लोक काही जण म्हणतात की मोठ्या प्रमाणात लोक आले होते, 4 लोक होते 5 लोक होते, तर आजची परिस्थिती ही आहे की दत्तशिखर संस्थानवर फक्त 8 संन्यासी आहेत आणि ते बी पूर्ण वेळ आपले ईश्वर सेवेत घालवतात, त्यामुळे सहसा कोणी बाहेर जाऊन भिक्षा मागणे किंवा वेगळ्या कार्यासाठी जास्त वेळ बाहेर देणे, 2-2, 4-4 लोक एकसाथ झाली अशी कोणतीही शक्यता दत्तशिखर संस्थानवर सध्या स्थितीला तरी शक्य नाही। आम्ही आज प्रेस नोटही काढली आणि पोलीस स्टेशनला कंप्लेंटही दिली की अशी अशी घटना आणि दिशाभूल करणारे लोक आम्हाला आढळलेत म्हणून, तर आम्ही प्रेस नोटमध्ये सर्वांना सांगितलं की बाबा तुम्ही कोणाला सांगण्याला किंवा आम्ही दत्त महाराजांच्या कृपेने तुमचे आजार बरे करतो किंवा कोणते अन्नदान आहे कोणते धार्मिक कार्यक्रम आहे त्यासाठी देवस्थानी आम्हाला वर्गणी करायला पाठवलेलं आहे अशा प्रकारच्या कोणत्याही गोष्टीला बळी न पडता आपण स्पष्ट त्या लोकांना नकार द्यावा आणि तशी कोणती जर गोष्ट आढळली तर आपण दत्त शिखर संस्थानच्या कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता। राज्य के गृह राज्यमंत्री रंजीत पाटिल का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई है। खामगांव में एक निजी कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आने के दौरान हुई इस घटना से कुछ देर के लिए गृह राज्य मंत्री के काफिले में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह 10:30 बजे गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल कृषि मंत्री भाऊ साहेब फोंडकर के निवास स्थान पर जा रहे थे। उनके साथ इस दौरान पूरा शासकीय काफिला था। जब गृह राज्य मंत्री का काफिला कोर्ट परिसर मार्ग से गुजर रहा था तो उनके वाहन चालक द्वारा अचानक ब्रेक मारे जाने से पीछे चल रहे पुलिस वाहन ने रंजीत पाटिल के वाहन को टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल
पीड़ितों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन, होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल अकोला रोड ओल्ड नाका बडनेरा अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड़िया, घाघरा ओढ़नी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43-48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। अमरावती जिला महसूल कर्मचारी संगठना जिला शाखा की ओर से 27 मई को खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। ये अधिवेशन नियोजन भवन जिलाधीश कार्यालय में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन का उद्घाटन विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह के हाथों किया गया तथा कार्यक्रम के अध्यक्ष जिलाधीश अभिजीत बांगर थे। विशेष अतिथि के तौर पर महानगर पालिका आयुक्त हेमंत पवार, महसूल उपायुक्त गजेंद्र बावने, पुनर्वसन उपायुक्त प्रमोद देशमुख, पुरवठा उपायुक्त रमेश मावसकर, निवासी जिलाधीश डॉक्टर नितिन व्यवहारे, उपजिला चुनाव अधिकारी शरद पाटील आदि मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम दरमियान जिलाधीश अभिजीत बांगर ने अपना संबोधन किया। सभी कर्मचारियों ने संगठित रहना जरूरी है लेकिन बार बार काम बंद आंदोलन नहीं करना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा। काही गैरप्रकार होत असतात। गैरप्रकार म्हणजे कुठल्या दृष्टिकोनातून, मी माझ्याकडे जेव्हा पण संघटना काम करायला घेऊन येतात मी त्यांना सांगतो, इथपर्यंत मी सांगितलेलं आहे की आयदर तुम्ही मला पर्सनली भेटायला किंवा माझ्या मोबाईल नंबरवरती मेसेज टाका की मला या संघटनेसाठी भेटायला वेळ पाहिजे, मी तुम्हाला वेळ देतो, इथपर्यंत मी सांगितलेलं आहे। पण जेव्हा ती संघटना, आपल्या संघटनेबद्दल बोलत नाही किंवा कुठल्या पर्टिक्युलर, पण जेव्हा कुठलीही संघटना जर असं म्हणत असेल की आमचं हे मागणं मान्य करा नाहीतर आम्ही काम बंद करतो, ती भूमिका मी मांडणार नाही, कारण ते योग्य भूमिका आहे असं मला वाटत नाही। काम बंद करण्याचा ऑप्शन मला नाही त्या पद्धतीने। राज्यस्तरीय इश्यू असेल वेगळा विषय, राज्यस्तरीयवरती जर आपलं काही असेल त्या ठिकाणची भूमिका तो पण मी मान्य करेल, त्यालाही माझा पूर्ण सपोर्ट राहील। पण जिल्हा स्तरावर मला वाटत नाही की अशी परिस्थिती आहे की आम्ही अवेलेबल नाही। जिल्हा स्तरावर मला वाटत नाही की पूर्ण जिल्ह्यामध्ये एकही कर्मचारी आहे की ज्या कर्मचारी जिल्हाधिकाऱ्यांना जाऊन भेटू शकत। तर एक मला आपल्या सर्वांना या ठिकाणी विश्वास द्यायचा आहे की जी काही आपली समस्या असेल कधीही माझ्याकडे या, माझा मोबाईल नंबर पब्लिक मध्ये अवेलेबल आहे, तुम्ही मला SMS करावा की या संघटनेच्या वतीने मला भेटायचंय, इमिडिएट मी माझ्या उपलब्ध वेळेनुसार आपल्याला बोलवेन, सगळ्या गोष्टींची पॉझिटिव्ह चर्चा करू। ज्या काही अन्याय बाबी आपल्या पूर्वी झाल्या असतील किंवा माझ्या कार्यकाळात सुद्धा झाल्या असतील, 100% परफेक्शन कुणीही आणू शकत नाही, पण मी मान्य करेन, माझ्याकडे चूक असेल तरी पण मान्य करेन। इस अधिवेशन में राज्य पदाधिकारी, समन्वय समिति के पदाधिकारी, जिले के संगठना के पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। संपत्ति विवाद को लेकर अक्सर अनेकों प्रकार के विवाद सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के राजापेट थाना क्षेत्र के विजयनगर से आया है। यहां के निवासी विमल चुड़े नामक एक वृद्ध महिला को उसके ही एकमात्र बेटे योगेश ने अपने घर में कैद कर दिया और संपत्ति अपने नाम पर नहीं करने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इस संदर्भ में 65 वर्षीय वृद्धा विमल चुड़े ने बताया है कि योगेश मधुकर चुड़े नामक उनका एकमात्र बेटा है। विजयनगर स्थित उनके मकान के तल मंजिल पर विमल रहती है जबकि ऊपरी मंजिल पर योगेश अपने परिवार सहित रहता है। विमल का आरोप है कि योगेश पिछले कई वर्षों से अवैध शराब व्यवसाय कर रहा है और अपनी माँ विमल चुड़े को उनका पुश्तैनी मकान अपने नाम पर करने की जिद करते हुए किसी न किसी बात को लेकर विवाद करता है।
विगत 25 मई को ऐसे ही विवाद के चलते योगेश, उसकी पत्नी और पारिवारिक सदस्यों ने मिलकर विमल को उस समय घर में कैद कर लिया जब वे अपनी ड्यूटी पर जाने की तैयारी में थी और विमल का मोबाइल भी छीन लिया। योगेश ने विमल के मोबाइल से फोन कर विमल के ड्यूटी पर यह जानकारी दी कि आज उसकी माँ ड्यूटी पर नहीं आ सकती है, जिसके बाद विमल के ड्यूटी संबंधित अधिकारी ने विमल के बेटी को विमल के ड्यूटी पर न आने का कारण पूछा, तब जाकर विमल को कैद किए जाने का मामला सामने आया। यह जानकारी विमल के नाती रूपेश को पता चलते ही वह विमल से मिलने उसके घर पहुंचा, जिसके बाद रूपेश को योगेश तथा उसके परिजनों ने मारपीट की। यहां से निकलकर रूपेश सीधे राजापेट थाने जा पहुंचा और घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद राजापेट पुलिस ने योगेश तथा उसकी पत्नी को भी थाने बुलाया और दोनों की ओर से दी गई शिकायत दर्ज करने की बात विमल चुड़े ने VCN न्यूज से कही है। मला परवाच्या दिवशी 25 तारखेला सकाळी घरात कुलपात करून उठून दिला। माझ्याजवळ त्या चाब्या मोबाईल निसकून घेतला। माझ्या मॅडमने त्यांना फोन लावला का मावशी ड्युटीवर येत नाही। मॅडमने वाटलं बघा मावशी काय झालं बा आजारी आहे का काय आहे। त्यांना मग माझ्या मुलीला फोन लावला। माझ्या मुलीला फोन यांना लावला का आईची तब्येत खराब आहे का। माझा नातू मला सोडायला आला तर त्याला मारहाण केली, त्याची गाडी तोडफोड केली, तो पोलीस स्टेशनला गेला। जेव्हा पोलीसवाले आले तेव्हा मी घराच्या बाहेर निघाले तेव्हा रिपोर्ट पोलीसची गाडी माझ्या दारात थांबली, मी रिपोर्ट द्यायला गेले। पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में श्री वेद सेवा प्रतिष्ठान व श्री अंबादेवी संस्थान की ओर से 27 से 29 मई दरमियान चतुर्वेद पारायण व दत्त याग का आयोजन श्री अंबादेवी कीर्तन सभागृह में किया गया। इस यज्ञ में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद द्वारा शांति पाठ किया गया। इस यज्ञ में देवनाथ वेद विद्यालय नागपुर, जालना, औरंगाबाद व अमरावती के 11 ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों का पठन किया जा रहा है। सत्ताईस मई को सुबह 7:30 बजे यज्ञ को शुरुआत की गई। सोमवार 28 मई को सुबह 8:30 से 12:30 यज्ञ, शाम 6 बजे यज्ञ आरती तथा शाम 7 बजे विष्णु सहस्त्र नाम। 29 मई को सुबह 8 बजे सामूहिक सत्यनारायण, 10:30 को पूर्णाहुति व आरती के पश्चात दोपहर 12 से 4 बजे तक महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।